हमीरपुर के कुठेड़ा केस में बड़मेली में आईपीएच विभाग की लापरवाही का नजारा देखने को मिल रहा है। सड़क किनारे टूटी मेन बड़ी पाइप से हजारों लीटर पानी जंगल में बह रहा है, लेकिन आईपीएच विभाग कुंभकर्णी की नींद सोया हुआ है। इस तरह हजारों लीटर पानी की बर्बादी से हमीरपुर में पानी की समस्या हो सकती है, लेकिन विभाग के नुमाइंदों द्वारा इसे ठीक करने की जहमत नहीं उठाई जा रही है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये जंगल में फवारा नहीं अपितु आईपीएच विभाग की लापरवाही का नज़ारा है। हमीरपुर के कुठेड़ा के समीप बड़मेले में आईपीएच विभाग की लापरवाही का नज़ारा देखने को मिल रहा है। सड़क किनारे टूटी मेन बड़ी पाइप से हजारों लीटर पानी जंगल में बह रहा है, लेकिन आईपीएच विभाग कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। इस तरह हजारों लीटर पानी की बर्बादी से हमीरपुर में पानी की समस्या हो सकती है, लेकिन विभाग के नुमाइंदों द्वारा इसे ठीक करने की जहमत नहीं उठाई जा रही। गौरतलब है कि इसी मेन पाइप से ब्यास नदी से पानी सीधा हमीरपुर के लिए पहुंचता है और इसी लाइन से एनआईटी व शहर को पेयजल आपूर्ति की जाती है। प्रदेश सरकार जल को बचाने के लिए बड़े बड़े दावे करती है और विभाग को सख्त हिदायतें दी गई हैं कि जल को बचाने के लिए काम किया जाए, लेकिन इस तरह हमीरपुर आईपीएच विभाग की कारगुजारी के चलते लोगों में गहरा रोष पनपा हुआ है। लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस तरह बर्बाद हो रहे पेयजल को बचाया जाए। कार्यक्रम में वक्त तो चला, छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।